हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ़ ऑल वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं जैक का मैट्रिक और इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है और मैट्रिक का तो ख़त्म हो गया और उसका रिज़ल्ट जो है 15 दिन के अंदर में आ जाएगा और इंटर का कितना हुआ है इसके बारे में बात करेंगे। और फ्रेंड्स, 8वीं के परीक्षार्थी जो फेल हो गए हैं उनको उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर के आ रही है जैक की तरफ से। और 11th का आंतरिक अंक यानी इंटरनल मार्क्स जैक को भेजा गया या फिर नहीं, कल यानी कि 22 तारीख को लास्ट डेट था तो जैक को भेजा गया या फिर नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जो भी अपडेट आए वो आपको सबसे पहले मिल जाए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आज का न्यूज़पेपर है 23 जून का फ्रेंड्स, और ये रांची का न्यूज़पेपर है फ्रेंड्स, यहाँ पे रांची का आप देख पा रहे होंगे। तो मैट्रिक की कॉपियों का जांच पूरा 15 दिन के अंदर में रिजल्ट, मतलब 15 दिन के अंदर में रिजल्ट आ जाएगा। मैट्रिक की कॉपियों का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं और भी न्यूज़। मैट्रिक की कॉपियों का जांच पूरी हो गई है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट जारी करने की तैयारी चल रही, मतलब मैट्रिक कॉपियों का मूल्यांकन पूरा हो गया है और रिजल्ट जो है जुलाई के प्रथम सप्ताह में आ जाएगा। वही इंटर साइंस व कॉमर्स की कॉपियों का मूल्यांकन भी 99% पूरा कर लिया गया है, मतलब कॉपियों का मूल्यांकन जो है ना इंटर का, साइंस और कॉमर्स का, उसका 99% पूरा कर लिया गया है। जैक सचिव महिप कुमार सिंह ने बताया कि 1-2 जिलों में कुछ कॉपियों बची हुई है जो 24 जून तक पूरा कर लिया जाएगा, मतलब 24 जून तक कॉपियों का मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया जाएगा। मूल्यांकन के साथ साथ अंकों का एंट्री हो रहा था, मतलब मूल्यांकन के साथ साथ कॉपियों का जो आप अंक आपका आ रहा है उसका भी, कॉपियों का जो अंक है वो एंट्री करा जा रहा था ताकि रिजल्ट जल्दी जल्द आ पाए। इसलिए जैक को अब रिजल्ट जारी करने की तैयारी कर रहा है, मतलब कॉपियों का चेक के साथ साथ सारे अंक भी अपलोड कर दिए जा रहे थे। तो अब केवल अंक अपलोड हो गया है लगभग, अब केवल रिजल्ट जारी करने का लेट है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हो सकता है आप लोगों को कुछ नॉइस आ रहा होगा क्योंकि मैं अभी घर में नहीं हूँ, मतलब घर से बाहर हूँ फ्रेंड्स, तो थोड़ा देख लेना उसके लिए सॉरी। दरअसल मैट्रिक व साइंस, इंटर साइंस व कॉमर्स का मूल्यांकन 27 मई से शुरू हुआ था, मतलब मैट्रिक व इंटर साइंस और कॉमर्स का जो कॉपियों का मूल्यांकन है 27 मई से शुरू हुआ था। जैक ने रिकॉर्ड समय में मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया, मतलब जैक ने एक रिकॉर्ड बना लिया है, वो बहुत जल्दी कॉपियों का मूल्यांकन पूरा कर लिया। मैट्रिक में करीब 4 लाख परीक्षार्थी जबकि इंटर व कॉमर्स में करीब 1 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे, मतलब मैट्रिक में 4 लाख और इंटर में साइंस कॉमर्स में 1 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इधर इंटर कला का भी मूल्यांकन जून तक पूरा हो जाएगा, मतलब जो इंटर कला का जो कॉपियों का मूल्यांकन है वो भी जून तक पूरा कर लिया जाएगा। कला का मूल्यांकन 5 जून से शुरू हुआ था, रिजल्ट जुलाई के दूसरे सप्ताह में जारी किया जाएगा, मतलब जो मैट्रिक कला यानी आर्ट्स के जो बच्चे हैं उनके लिए भी है कि उनको भी, उनका भी कॉपियों का मूल्यांकन जून में ही पूरा कर लिया जाएगा और उनका जो रिजल्ट है वो जुलाई के दूसरे सप्ताह में जारी किया जाएगा। झारखंड अकेडमिक काउंसिल 8वीं बोर्ड की विशेष परीक्षा आयोजन करने की तैयारी में लगा हुआ है, मतलब जो झारखंड अकेडमिक काउंसिल के 8वीं कक्षा में फेल हो गए थे फ्रेंड्स, अगर आपके भाई बहन अगर फेल हो गए होंगे या एग्ज़ाम वो किसी वजह कारणवश नहीं दे पाए होंगे तो उनके लिए भी अपडेट है कि वो फिर से आप देख पाएंगे। वो इसके मुख्य परीक्षार्थी 5,38,062 परीक्षार्थी में से 42,349 फेल कर गए थे, यानी 91.60% उत्तीर्ण व 9.40% बच्चे अनुत्तीर्ण हुए थे, मतलब 91.60% बच्चे पास हुए थे और 9.40% फेल हो गए थे। सबसे अच्छी बात है कि जैक विशेष परीक्षा में फेल के अलावा ऐसे विद्यार्थी को भी शामिल होने का मौका देगा, मतलब जो फेल हो गए वो भी शामिल हो गए, जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे वो भी शामिल होंगे फ्रेंड्स। तो आपके अगर भाई बहन कोई फेल कर गए हैं, आपके कोई रिश्तेदार में फेल कर गए हैं तो आप उनके साथ ये शेयर कर देना फ्रेंड्स, ताकि वो भी एग्ज़ाम दे पाएँ और वो भी क्लास 9th में प्रमोट हो पाएँ। 3,35,000 का अंक जमा, मतलब 3,35,000, अब हम 11वीं का
का जो कॉपियों का जो इंटरनल मार्क्स था जो स्कूल और कॉलेज को भेजना था वो बहुत से स्कूल और कॉलेजेस ने नहीं भेजा है, बट बहुत ज़्यादा स्कूलों ने भेज दिया है। फ्रेंड्स आप देख पा रहे कक्षा 11वीं के 3,46,000 विद्यार्थी में से 3,35,000 विद्यार्थियों का आंतरिक अंक सोमवार शाम 5 बजे तक जमा हो गया है। मतलब जो 3,46,000 में से 3,35,000 परीक्षार्थियों मतलब विद्यार्थियों का जो अंक है स्कूल और कॉलेज जमा कर दिए हैं, आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। जैक 11वीं की परीक्षा में छात्रों को 10 अंक अतिरिक्त मूल्यांकन के आधार पर स्कूल द्वारा मिलना था। मतलब जैक का ये रूल है कि स्कूल और कॉलेज की तरफ से 10 मार्क्स जैक के हर बच्चों को कक्षा 11वीं में मिलता है। जैक ने सभी स्कूल और कॉलेज को कहा था कि समय पर अतिरिक्त मूल्यांकन का अंक परिषद के वेबसाइट में के माध्यम से जमा करा दें, लेकिन कई स्कूलों के द्वारा जमा नहीं करने कारण रिजल्ट जारी में विलंब हो रहा है। मतलब कई स्कूल जो है वो जमा नहीं करे थे और अभी तो बहुत ज़्यादा जमा कर दिया गया है सोमवार को। जैक ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस स्कूल ने जमा नहीं किया है वह वहाँ के छात्र परीक्षा फल प्रभावित होने की जिम्मेवारी संबंधित स्कूल की होगी। मतलब जो भी वहाँ पर बच्चे फेल करेंगे या जो भी होगा वहाँ के बच्चे का जो भी रिजल्ट प्रभावित होगा उसका सारी जिम्मेवारी स्कूल को लेना होगा। ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है फ्रेंड्स कि बहुत से विद्यालयों ने 3,46,000 बच्चों में से 3,35,000 बच्चों का जो अंक है वो जमा कर दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स कक्षा 8वीं के बच्चों के साथ आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो अगर फेल कर गए या फिर किस कारणवश एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो एग्ज़ाम दे पाए इसके कोई भी अगर रिलेटेड अपडेट आता है तो मैं आपको दे दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।